नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 30 मार्च मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। पुलिसकर्मी वकील विवाद के चलते मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक टावर चौक पर जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे कानून के रखवालों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। इसके साथ ही वाहनों पर भी लाते मारी। वकील और उनकी पत्नी से अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर अड़े वकीलों के आक्रोश को शांत करने के लिए एसपी ने 3 आरक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया है। शनिवार रविवार देर रात में अभिभाषक गोपाल सिंह हिरावत और उनकी पत्नी ऋचा के साथ सिंधी कॉलोनी में ड्यूटी कर रहे आरक्षकों ने अभद्रता की थी। वकील गोपाल सिंह के नशे में धुत साले का पुलिस कर्मियों से विवाद होने के बाद वे पत्नी के साथ बीच बचाव के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि मामला शांत हो जाने के बाद भी पुलिस कर्मियों ने टावर चौक पर कार रोक कर साले, वकील और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें वकील के साले नशे में धुत होकर पुलिस कर्मियों से विवाद करते हुए और टी शर्ट उतारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान वकील और उनकी पत्नी बीच बचाव करते रहे। इसके बाद टावर पर मारपीट से वकीलों में नाराजगी रही। मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 3 आरक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सदस्य प्रताप मेहता की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें पुलिस वाहन से निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई है। शनिवार रात का मामला है। हमारे अभिभाषक शादी के साथ यहाँ पे टावर चौक पे मारापीटी करी गई, उनकी पत्नी के साथ अभद्रता करी गई, उनको धक्का देके गिरा दिया गया। इसके लिए हम लोग सभी जो पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया उनपे बर्खास्त होने की और सस्पेंड करने की कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र होगा। ये आंदोलन बंद नहीं होगा, अभी ये उज्जैन शहर स्तर का है, ये आंदोलन मध्य प्रदेश स्तर का होगा। आने वाले समय में ये नेशनल लेवल के उस पर हम ये आंदोलन को लेके जाएंगे। जब तक इसमें सस्पेंड की कार्रवाई नहीं करेगी, वकील नहीं मानेगा। अब पुलिस वकील से जिस लिहाजे में बात करेगी, वकील पुलिस को उसी लिहाजे में जवाब देगा। मेरे भैया के का फ़ोन आया था रात को कि मेरी गाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ी हुई है, तो मैं और मेरे हस्बैंड रात काफ़ी हो गई, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ में। और उसके बाद हम लोग जब स्पॉट पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ, और इन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं देना। तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया इनके साथ में, जो कि असहनीय था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने पैर पड़े कि ये चीज़ गलत है, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उन लोगों ने ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसके CCTV कैमरे में सारी फुटेज आ चुकी है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा महिला के लिए सोचिए कि ये सब महिला के अच्छे के लिए हो सके। आज तो ये मैं थी, अगर कोई आम कोई और लेडीज होती, महिला होती, तो चीज बहुत गलत हो जाती। उनके साथ कुछ पुलिस वालों ने अभद्रता की है, तो उस संबंध में उनको अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लाइन अटैच किया गया है और आगे जांच की जा रही है। जो भी जांच में पाया जाएगा उस हिसाब से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस जनता को मास्क लगाने को लेकर तमाम कोशिशें कर जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, ताकि लोग किसी भी तरह मास्क लगाने लगे। इसको लेकर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक होने की जगह उल्टा चालान काटने वाले लोगों से नियम कानून पूछ रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों से गाली गलौज भी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा सयाजी गेट पर देखने को मिला। दरअसल नगर निगम की टीम सयाजी गेट पर बिना मास्क लगाकर निकलने वाले लोगों को रोककर चालानी कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान एक युवक बिना मास्क पहने निकला तो टीम ने उसे रोका और समझाइश देने के साथ चालान बनवाने को कहा, जिस पर युवक टीम के लोगों से विवाद करने के साथ गाली गलौज कर झूमा झटकी करने पर उतारू हो गया।
जिस जगह वो ये विवाद हो रहा था उस जगह डायल 100 तैनात थी, लेकिन कोई पुलिसकर्मी इस विवाद को देखकर नहीं आया। इसी का फायदा उठाकर युवक बाइक लेकर मौके से भाग गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई बंद कर अपने अधिकारियों को अवगत करवाया। कर्मचारियों ने चालान काटने के दौरान साथ में पुलिस जवान के होने की मांग की। नगर निगम के कर्मचारी इस तरह की बदतमीजी करने पर सभी सीधे कोतवाली थाने पहुंचे। बाद में युवक भी पहुंचा और राजीनामे के साथ युवक ने चालान करवाया। मेन अधिकारी बोल रहे हैं, वो खड़े वहाँ, क्या नाम है? अनिल खरे। अनिल खरे, कलेक्टर साहब आपको बात करना है, कलेक्टर साहब से बात कराओ, कमिश्नर साहब से बात कराओ, लेने जा रहे हैं पत्रकार को, उनसे बात कर लो। अनिल यार मेरे को बात थोड़ी करनी है, बाल तुम इतनी मगजमारी कर रहे हो यार, तो बेग फाड़ दिया को मगजमारी है, ये को बेग फाड़ दिया को मगजमारी है, मेरे को काय का बेग फाड़ दिया, ये मगजमारी है, ये कौन से मैं घूम रहा हूं, ये बेग फाड़ दिया इनसे पकड़ के यहां पे, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, रुको ना दावा जैसे तुम तो जा रहे हो। अरे हां हां ठीक है, कमिश्नर है, कमिश्नर है, कमिश्नर है, इधर बाहर आने के बाद किस लिए रोका गया था इनको, क्या है जा रहे थे उनको चालान बनाने के लिए, उनको समझाइश दी जा रही थी और उसके पश्चात उन्होंने विवाद करना चालू कर दिया गाड़ी को, कर्मचारी धीमा गति कर रहे हैं। उज्जैन जिले में होली पर कई शिव मंदिरों में भक्त धधकते हुए अंगारों पर चलते हैं, कलश लेकर नंगे पैर और फिर अंगारों पर से गुजरकर वे शिव की पूजा करते हैं। उज्जैन जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां धधकते हुए अंगारों पर शिव भक्त चलते हैं। जहांगीरपुर, दुनालचा, बलेड़ी, झिरनिया, घटिया मीणा और कई गांवों में बड़े ही प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां पर होली पर पारंपरिक तरीके से भक्त देवाधिदेव महादेव शिव की पूजा अर्चना अंगारों पर से गुजरकर करते हैं। इन भक्तों का मानना है कि अंगारों पर से गुजर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना अगर की जाती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जिसके चलते हर साल होली पर इस परंपरा के तहत धधकते हुए अंगारों पर चला जाता है, जिसमें सैकड़ों शिव भक्त हाथ में कलश लेकर आग के बीच से गुजरते हैं। महाकाल की कृपा से महितपुर के चौक बाजार चौराहे पर सोमवार को होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और थाना प्रभारी दिनेश भोजाक ने होली का पूजन किया, जिसके बाद होलिका दहन किया गया। दरअसल देश भर में होली पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, ऐसे में शहर के चौक बाजार में होली पर्व मनाया गया है। पंडित पुजारियों ने तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और दिनेश भोजाक से विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया है, जिसके बाद होलिका दहन किया गया। थाना प्रभारी दिनेश भोजाक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार शासन द्वारा होली पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिर्फ परंपराओं का पालन करने और मेरे घर मेरी होली खेलने के अभियान के तहत लोगों को छूट दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पूजन में कई गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। क्या व्यवस्था रही? कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमारी पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है और कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पालन हो रहा है और उसी अनुसार सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें, कल फिर मिलते हैं इसी समय, नमस्कार।